फ्रेंड्स, मैं हूँ कोमल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्यूटी सीक्रेट विद कोमल शर्मा में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा फेस पैक जो आपकी स्किन में जो भी पिंपल्स हैं या पिंपल्स की वजह से स्कार्स हो गए हैं या डलनेस है या एक्ने है या जो भी प्रॉब्लम्स है उसको धीरे धीरे रिड्यूस कर देगा। और ये जो फेस पैक बना है ये बना है सौफ से, और सौफ आपको घर में आसानी से मिल जाएगी क्योंकि सौफ में होती है एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी जो और एक अच्छा सा एंटीसेप्टिक भी होता है, जिसकी वजह से जो भी हमारी स्किन में एक्ने या पिंपल्स हो जाते हैं ये उनको धीरे धीरे रिड्यूस करता है। ये एंटी माइक्रोबियल बीज हमारी स्किन में जो बैक्टीरिया कीटाणु या गंदगी की वजह से जो पिंपल्स एक्ने हो जाते हैं ना उनको धीरे धीरे खत्म करता है। और ये जो हमारी त्वचा की जो एपिडर्मल लेयर होती है ना उसमें जो सीबम जमा हो जाता है जिसकी वजह से मुहासे और एक्ने आते हैं उनको भी धीरे धीरे खत्म कर देता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन के जो डार्क स्पॉट्स होते हैं या दाग धब्बे हो जाते हैं या एक्ने की या पिंपल्स की प्रॉब्लम आ जाती है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है। और जो सॉफ्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है ठंडे, तो आप इसे गर्मियों में या जो रेनी सीजन होता है जिसकी वजह से हमारी स्किन में डार्क इचीनेस आ जाती है या हमारी स्किन में रेडनेस आ जाती है उसको भी ये धीरे धीरे रिमूव करता है। इस फेस पैक का जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है केला, और केला बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से हमारी स्किन की जो रिंकल्स फाइन लाइंस या पिगमेंटेशन होता है ये उसको दूर करता है और ये हमारे स्किन के जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना उसको भी धीरे धीरे रिड्यूस करता है। तो चलिए अब बनाते हैं इस फेस पैक को। पैक को बनाने के लिए मैंने ली है आधी कटोरी सौफ, जो कटोरी का साइज है वो छोटा है उसका मैंने आधा सौफ ले लिया है, मतलब 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे सौफ का यूज किया है। अगर आप ज्यादा लोगों के लिए फेस पैक बना रहे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमें लेना है हनी, तो यहाँ पे मैंने डाबर का हनी यूज किया है। आपके पास जिस ब्रांड का हनी है आप वो यूज कर सकते हैं। जो थर्ड इन्ग्रीडियंट है वो है केला, तो यहाँ पे जो हमें केला यूज करना है वो पका हुआ होना चाहिए। और इसका जो फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो है गुलाब जल, तो गुलाब जल शुद्ध होगा तो आपके चेहरे पे ज्यादा असर करेगा। और ये जो गुलाब जल है मैंने घर पे बनाया है, ये 100% शुद्ध है और ये आप आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं। अगर आप भी इस गुलाब जल को बनाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब हमें क्या करना है, सौफ का पाउडर बना लेना है। तो अब हमने मिक्सी में इसका पाउडर बना लिया है। आप इस पाउडर को ज्यादा क्वांटिटी में बना के स्टोर कर सकते हैं। जो हमें सेकंड स्टेप करना है उसमें हमें केले को मैश करना है, मतलब केले का पेस्ट बनाना है। तो उसके लिए आप मिक्सी का यूज कर लीजिए, नहीं तो आप फॉक का यूज कर सकते हैं। आपको जो आसान लगे आप उसका यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं फॉक का यूज करके केले का पेस्ट बना लेती हूँ। और आप कोई भी फेस पैक लगाते हैं, अगर आप जो मैं बताती हूँ वो लगाते हो या आप कोई और वीडियो देख के फेस पैक बनाते हैं तो आप उसको डायरेक्ट अपने फेस पे मत लगाइए। उससे पहले आप उसका पैच टेस्ट कर लीजिए, मतलब कान के पीछे लगा के देख लीजिए। जरूरी नहीं है जो फेस पैक मेरी स्किन पे सूट हो रहा है वो आपकी स्किन पे भी फायदा करें। कई लोगों को नेचुरल चीजों से भी एलर्जी होती है। अब हमें उसमें सौफ का पाउडर मिला लेना है। उसके बाद हमें मिलाना है इसमें हनी। तो यहाँ पे मैं 1 स्पून हनी को मिला लेते हैं। उसके बाद हमें डालना है इसमें गुलाब जल। तो ये जो गुलाब जल है अपने हिसाब से डालना है, जब तक कि एक स्मूथ पेस्ट ना बन जाए उसके हिसाब से आप इसमें गुलाब जल डाल लीजिए। और फेस पैक को ना आपको रात में लगाना चाहिए तो ये ज्यादा असर करता है, क्योंकि रात में ना हमारी जो बॉडी होना है वो रिलैक्स मोड पे होती है। तो अगर हम फेस पैक रात में लगाते हैं तो उसका असर ज्यादा होता है। अगर आप दिन में लगाते हैं तो उसके बाद सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और फेस पैक लगाने से पहले ना आप अपने फेस को जरूर क्लीन कर लीजिए। अगर आपके फेस पे मेकअप रहेगा उसके ऊपर अगर आप ये फेस पैक लगाएंगे तो आपका इसका पूरा 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। और नेचुरल चीजों का रिजल्ट ना धीरे धीरे ही मिलता है, एक बार में आपको नहीं मिल जाता है। तो आपको ना इंतजार करना होता है और लगातार आपको, जैसे अगर महीने भर लगाते हैं और आप हफ्ते में अगर 2 से 3 बार लगाते हैं तो आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा।